Assalamu alaikum everybody and a very good morning from my side. I hope you all are doing good and everything is good at your end. So if you're watching my video for the very first time, so I would request you to please subscribe my YouTube channel, and if you use Instagram, so you can also follow me over there. So आज की जो वीडियो है गाइज जी वो है अबाउट आज बेसिकली हम लोग सुबह निकल गए हैं. टाइम हो रहा है तकरीबन 9 बज रहे हैं. बेसिकली हमें जल्दी निकलना था बट ऑफकोर्स थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए. तो प्लान आज हमारा ये है कि हम लोग एक आउटडोर बेसिकली पिकनिक कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ. जैसे मेरी बहन है एंड उनकी पूरी फैमिली है, हम लोग हैं एंड हमारे कुछ और भी दो तीन कॉमन फ्रेंड्स हैं. तो उसके साथ हम लोग लाइक सब मिल के बाहर जो है बारबेक्यू करेंगे. सो उसके लिए जो है मॉर्निंग में हम लोग निकल चुके हैं, क्योंकि आई एम श्योर सबको पता होगा कि इट्स यूई नेशनल डे. यूई हैज़ कम्प्लीटेड लाइक 50 ईयर्स, तो उसकी वजह से लाइक सबको है ऑफ मिले में, लॉन्ग वीकेंड है. तो यहाँ पर जो है यूई में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड है पिकनिक्स का, एंड पिकनिक्स का इसीलिए यहाँ पे हर चीज़ बहुत इजीली हो जाती है क्योंकि इट्स सेफ, यू नो. लाइक अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सो इट्स लाइक कम्प्लीटली नॉर्मल ओवर हियर. तो बहरहाल अभी हम लोग रस्ते में हैं, तो अभी हमने कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया, तो मोस्ट प्रॉबली अभी जो है हम रस्ते में अपने लिए ब्रेकफास्ट वगैरह पिक करेंगे. फिर उसके बाद जो है हम लोगों का जो प्लान है, हमने जाना है ममज़र बीच, राइट. ममज़र बीच जाना है, तो वहाँ पर जो है जी बेसिकली बारबेक्यू के लिए अलग से एक जगह प्रोवाइड की हुई है एंड इट्स लाइक अ सेपरेट प्लेस. तो हमने वहाँ सोचा है. फिर ऑफकोर्स बीच है, उसके अलावा ये है कि पूरा दिन तो उधर देखते हैं कितना टाइम हम लोग स्पेंड करेंगे एंड हाउ द डेज गो. तो स्टे ट्यून. ओके जी, सो दिस इज़ बेसिकली अल एन रोड एंड सामने बेसिकली जो सेम ट्रैक पे गाड़ी है, दैट इज़ लाइक जो मेरी सिस्टर है उनकी गाड़ी है, बिकॉज बेसिकली वी आर फॉलोइंग देम. तो ये अल एन रोड है, जैसे कि ये लॉन्ग वीकेंड है तो उस वजह से कोई ट्रैफिक कुछ भी नहीं है, यू नो, लाइक द रोड इज सो एम्प्टी. और जो वेदर है बेसिकली इट्स ओके, क्योंकि अभी तो जस्ट मॉर्निंग हुई है तो मुझे नहीं पता कि क्या है, किस तरह से वेदर होगा, बट आई थिंक इट्स गोना बी हॉट. ओके जी गाइस, सो ये बेसिकली है हमारा जो है फर्स्ट स्टॉप ओवर है. सो ये बेसिकली कौन सी जगह था, सो यहाँ पर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं. सो यहाँ से हम जस्ट ब्रेकफास्ट पिक करेंगे और फिर उसके बाद यू नो वील हेड ओवर देयर. सो लेट मी जस्ट शो यू अराउंड. ओके जी, फाइनली जो ब्रेकफास्ट की चीज़ें थी हमने पिक करनी थी, जो हमने कर ली हैं. सो सी ऑन द अदर साइड. ओके गाइस, तो अब बेसिकली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर ममज़र बीच में एंड एट माय बैक यू कैन सी के हर जो फैमिलीज आई हुई हैं पिकनिक्स पे, सारी चीज़ें लेकर आए हुए, तो हम लोग भी काफ़ी सामान लेकर आए हुए. लेट मी जस्ट शो यू अराउंड. इसमें जी ये कुछ चीज़ें हैं, हमने ये बेबी स्टॉलर्स में रख दिए हैं, प्लस ये पानी की बॉटल्स हैं. उसके अलावा बहुत सी और भी, एक चारकोल लिया हुआ है बेसिकली. ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि हमने पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड करना है, तो अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं. तो अब हम बेसिकली इनको लेकर जाएंगे जहाँ पर हमने जाना है. यहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं. सो बेसिकली आउटडोर पिकनिक्स में यही होता है कि यू नो आपको सारी चीज़ें जो है अपनी अपने साथ लेके आनी होती हैं. तो जो प्लान है, जैसे कि मैंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि हमने यहाँ पे बारबेक्यू करना है, प्लस उसके साथ हम थोड़ा सा यहाँ पे फैमिली टाइम जो है स्पेंड करेंगे. तो अभी जो है जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देर आर लाइक सो मैनी पीपल ऑल्सो, क्योंकि जैसे कि वीकेंड है और उसके अलावा लॉन्ग वीकेंड है, तो हर कोई अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया हुआ है. तो ये बेसिकली जो जगह है जो हमने अपने लिए बेसिकली अभी रख ली है. सो लेट यहाँ पर जो है ये यहाँ पर यू नो स्टोन्स बड़े बड़े हैं, इसके ऊपर जो है आप बारबेक्यू यू नो कर सकते हो, ताकि जो हवा का फ्लो है उसको भी आप मैनेज करो. उसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्पेसेस हैं, बट जैसे कि आज छुट्टी है तो जितने भी अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं वो ऑलरेडी बुक्ड हो चुके हैं, बट हमें थैंक गॉड ये एक मिल गया है. बट उसके अलावा और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट ये बेसिकली लाइक यू नो इट इज़ अंडर ट्री और हम लोग सारा सामान अपने साथ लाए हुए हैं. सो इट लाइक इट्स अ रियली गुड थिंग.
ओके जी गाइस, तो अभी जस्ट हमने अपना ब्रेकफास्ट किया है, तो जैसे कि था हमने ब्रेकफास्ट वगैरह हमने रास्ते में से पिक कर लिया था चीज़ें, तो अभी बेसिकली यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जैसे कि मैंने बताया देयर इज़ लाइक दिस बीच, तो बीच पे भी हमने जाना है फॉर श्योर। तो अभी जस्ट हम लोग जो है चाय लेने के लिए जा रहे हैं, चाय पीने के बाद लाइक तो अभी हम चाय लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद यू नो वील गो इन द वाटर, बिकॉज अभी नाश्ते करने के बाद फ़ौरन जो है आपको पानी में नहीं जाना चाहिए। तो ओवरऑल जो है अभी वेदर जो है बहुत अमेजिंग हो गया है यहाँ पे, सो इट्स रियली नाइस। अगर तो आपने कभी इस तरह से कोई पिकनिक यू नो ट्राई नहीं की अपनी फैमिली के साथ, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी आप ज़रूर। ओके जी गाइस, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने प्रेपरेशन स्टार्ट कर दिया है टू स्टार्ट द बारबेक्यू, एंड ये बेसिकली स्वीट पोटैटोज़ हैं जो फॉइल में हमने पैक करके रख दिए हैं, और ये भी बहुत अच्छे लगते हैं यू नो गर्म होकर, एंड इट लाइक टेस्ट रियली यम। सो ये यहाँ पर और अच्छे से मैरिनेटेड है, एंड इसको जो है तकरीबन यू नो आपको 15-20 मिनट्स आप दो एक साइड पर, तो ये अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं। ओके जी गाइस, सो नाउ वी आर ऑल सेट कि अब हमने अपना जो बारबेक्यू का सारा प्रोसेस था वो स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो है जी बेसिकली है बोनलेस चिकन जो कि इन स्क्वायर्स में जाएगी, साथ में जो है मैंने कैप्सिकम्स और टमाटोज और अनियंस वगैरह भी रखे हुए हैं साइड पे, वो भी हम लगा के साथ में करेंगे। तो ये जो है बेसिकली मैरिनेशन का जो प्रोसेस है वो ओवरनाइट का होता है, और ओवरनाइट ही हो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यू नो जो टेस्ट है तभी अच्छे से डेवलप होगा। तो अभी जो है हम लोग जो है ये स्टार्ट करेंगे सारी जो ये बोनलेस, इसमें क्या रॉकेट साइंस है मुझे नहीं समझ आ रही। थोड़ा सा गैप रखना हाथ रखने के लिए उनके लिए, ऊपर करो ऊपर करो, हाँ यहाँ से उनका हाथ जले, वो कैसे रखेंगे। चलो ये पूरी रेडी हो गई, आप पकड़ो उस पर रखो। एक और भी हो सकती है इसमें, क्या ख्याल है ना, थोड़ी गैप वहाँ रखना है सुने। हाँ बस जी गाइस, तो ये जो है बेसिकली मलाई रोटीज हैं। ओह माय गॉड, सो गुड, सारी तेरी बातें रिकॉर्ड हो रही, कोई बात नहीं, शक्ल से नहीं आ रहा है ना। ओके जी गाइस, सो नाउ वी आर जस्ट पैकिंग अप। सो हमारा जो दिन था बहुत अमेजिंग यहाँ पे गुजरा, लाइक अभी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि नाउ इट्स लाइक ऑलमोस्ट 7 o'clock ओवर। तो हम लोग यहाँ पर आए थे अराउंड यू नो लाइक 9:30, तो पूरा दिन हमने यहाँ पर गुजारा है, एंड वी हैड एन अमेजिंग टाइम। सो इफ़ यू लव वॉचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड इफ यू न्यू टू द चैनल सो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग न्यू, टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स अराउंड यू।